श्री नारायण गुरु धर्म समागम सेक्टर 4 भिलाई के शिव मंदिर में पुनः प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन 12 जुलाई को किया जाएगा। इस मंदिर का निर्माण केरल तमिलनाडु के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित चेंगोटा में मिलने वाले कृष्णशिला पत्थर से किया गया है। कृष्णशिला पत्थर के कुशल कारीगर शंकर रवि एवं उनकी टीम द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर के तांत्रिक डॉक्टर TS विजयन के मार्गदर्शन में मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ये मंदिर पूर्णतः भारतीय परंपरा एवं वास्तु के हिसाब से वास्तु के प्रमुख पुजारी कन्यापुर का कृष्णन नंबूदरीपाद के मार्गदर्शन में निर्मित किया गया है। ये मंदिर पूर्णतः केरल के रीति रिवाजों, परंपराओं और कलाकृतियों को विशेष ध्यान में रखकर निर्मित किया गया है। श्री नारायण गुरु धर्म समागम के मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन बी लालसन है, जो कि समाज के संरक्षक हैं और साथ ही छत्तीसगढ़ के मशहूर उद्योगपति भी हैं। मंदिर निर्माण में इनका विशेष योगदान रहा है। इसके साथ ही समाज के अध्यक्ष श्री वी के बाबू के अथक प्रयास से ये ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण कराना संभव हो पाया है। इसके साथ ही देवासम के उपाध्यक्ष सी बीजू का योगदान भी इसमें रहा है। बता दें, 12 जुलाई 2024 को इस भव्य मंदिर की पुनः प्रतिष्ठा के पवित्र अवसर पर श्री नारायण गुरु धर्म समागम की महिला समिति एवं अन्य समाज के 502 महिला एवं बच्चों के द्वारा केरल के पारंपरिक नृत्य तिरुवादिरा का भव्य आयोजन शाम को किया जाएगा। इसके साथ ही संपूर्ण उत्तरदायित्व कला मंडलम श्रीमती दिव्या रूपेश, श्रीमती सिम्मी अनिल, श्रीमती अनिल राजन छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड कायम करने की ओर अग्रसर है। इस कार्यक्रम के बाद मेरी आवाज फेम के छत्तीसगढ़ के येशुदास के नाम से मशहूर PT उल्लास की टीम के द्वारा भव्य भजन संध्या भी इस दौरान आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही भव्य आतिशबाजी भी आकर्षण का केंद्र होगी। आयोजन को लेकर इस तरह की जानकारी समिति के लोगों ने दी है। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य था जो 12 तारीख को जो यहाँ मंदिर का पूरा प्रतिष्ठा, पूरे प्रतिष्ठा हमेशा देखने मिलते नहीं एक इस और 12 साल के बाद इसका पुनः प्रतिष्ठा होगा। तो आज जो जनरेशन है, आज जो हमारा सौभाग्य है कि हमें इस अवसर पर ये पुनः प्रतिष्ठा का लाभ उठाने का समय मिल रहा है, आयोजन करने का समय हमको मिला है। तो इनके उद्देश्य भी बताया कि जो क्षेत्र निर्माण का ये जो हम लोग जो बनाया है क्षेत्र जो है, ये दक्षिण भारत का संस्कृति का अनुसार बना है। तो हमारा एक उद्देश्य भी ये भी था कि छत्तीसगढ़ और दक्षिण भारत का एक साथ मिलाई, क्योंकि दक्षिण भारत के लोगों का योगदान छत्तीसगढ़ में रखा है। छत्तीसगढ़ के निर्माण में, उनका उद्योग निर्माण में काफ़ी सहयोग दिया। इसी साथ में एक संस्कृति को भी गुरु जी का नाम से यहाँ पे आयोजन करने का प्रयास किया गया है। आने वाले 100 साल तक हमारे जो आने वाले पीढ़ी इसी क्षेत्र को देखे, ये याद रखेगा कि दक्षिण भारत का कितना सहयोग छत्तीसगढ़ में रखा गया है। इसी हमारे मुख्य उद्देश्य था। बाकी जो है हमारे जनरल सेक्रेटरी जी है, ये अपने प्रश्न में बता देंगे और क्या क्या उद्देश्य था, क्या क्या कैसे आयोजन किया, कैसे कैसे। यह हम लोग पुनः प्रतिष्ठा का जो समारोह का आयोजन कर रहे हैं, यह 5 जुलाई से 15 जुलाई तक इसका आयोजन किया जाएगा। और इसकी सारी जानकारी एक डिटेल्स में देने के लिए हमने आज प्रेस वार्ता किया है। प्रेस वार्ता का आयोजन इसीलिए किया गया था और इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य था भिलाई दुर्ग के हर समाज के हर व्यक्ति, हर लोगों का इसमें योगदान है और उन लोगों का इस कार्यक्रम में उपस्थित होना भी उनका योगदान का जरूरी है। जैसे कि प्रेस वार्ता में आपने बताया छत्तीसगढ़ में केरल की छटा बिखेरते ये मंदिर का जो पुनः प्रतिष्ठा समारोह है, इसमें अतिथि के रूप में कौन कौन शामिल होने वाले हैं? मैडम, एक मंदिर का प्रतिष्ठा का समय है तो हम लोग इसमें किसी को एक विशेषता ना देते, सभी हमारे अतिथि, चाहे वो छोटा सा छोटा व्यक्ति हो, बड़ा सा बड़ा व्यक्ति हो, हम सबको एक रूप में देखना चाहते हैं। क्योंकि इस मंदिर के निर्माण में 10 रुपये से लेके लाखों रुपए तक का योगदान देने वाले लोग हैं, इसलिए हम इसमें किसी एक व्यक्ति को विशेषता ना देते हुए सभी व्यक्ति हमारे लिए उसे अतिथि के रूप में और सभी हमारे मुख्य अतिथि। मंदिर की जो निर्माण है कितने महीनों में पूरा हुआ है? मंदिर निर्माण जब चालू हुआ उसका 10 माह में हमने इसको लगभग संपूर्ण करने का प्रयास किया है। लगभग हम अनुमान लगाएं तो लागत कितनी? लागत लगभग 3.5 करोड़ के ऊपर। दर्शकों से क्या कहना चाहिए? मैं छत्तीसगढ़ के वासियों से और भिलाई दुर्ग के वासियों से सभी से मैं निवेदन करूंगा कि श्री नारायण गुरु धर्म समागम के इस प्रांगण पर 12 तारीख को आएं और इस प्रतिष्ठा के
वो भव्य रूप देखे, क्योंकि उस दिन शाम को हम भिलाई दुर्ग के 502 महिलाओं और बच्चों द्वारा विशेष नृत्य, केरल का पारंपरिक नृत्य तिरुवाद्रा किया जा रहा है, और पीटी उल्लास जी के भजन गायक प्रमुख यानी मशहूर भजन गायक है उनका भजन संध्या का, उसके बाद आतिशीबाजी का भी आयोजन किया गया है। और मैं सभी भक्तजनों से निवेदन करूंगा उस इस मंदिर में प्रांगण में आकर और प्रसाद भी ग्रहण कर जाएं। ठीक, आपका परिचय? मैं टीओ सुनील कुमार, श्री नारायण गुरु धर्म समाजम का महासचिव के पद पर। इस मंदिर के निर्माण हेतु अत्यधिक धन राशि की आवश्यकता होने पर समाज की कमेटी के सदस्यों, समाज के लोगों और अन्य समाज के लोगों साथ ही शिव भक्तों का विशेष योगदान रहा है। गुरु मंदिर के निर्माण की धन राशि श्री एनबी लालसन द्वारा दी गई है। इस भव्य आयोजन में शामिल होकर आप सभी साक्षी बने। एसीएन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।